हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, किट्टू भी अच्छा है। और आज है दिन शनिवार, तो शनिवार और रविवार को हमारे यहाँ फुल लॉकडाउन होता है, तो बाहर बिल्कुल शांत है। देखिए, दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा, बिल्कुल शांत है बाहर, बिल्कुल कुछ भी ज़्यादा नहीं है। तो सुबह का मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है, नहा चुकी हूँ, किट्टू भी नहा लिया है और किट्टू का ब्रेकफास्ट भी हो गया है। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? कैसे हो? ऐसे हाय करके बोलो, हाय। कैसे हो? कैसे हो? प्यार कर दो सबको, ऐसे करो करो, यहाँ से प्यार एक और कर दो। तो फ्रेंड्स, मेरा सुबह का सारा काम हो ही गया है, झाड़ू पोछा सफाई डस्टिंग सब कुछ हो गया है। तो अब चलते हैं कुछ और, बहुत सारे काम तो वैसे पूरा दिन के रहते ही हैं, लेकिन हाँ ये रहता है कि सुबह का बहुत सारा काम रहता है, तो वो मेरा फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं कुछ और काम करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। पूजा भी मेरी हो चुकी है, लेकिन मैंने सोचा है कि चलो आपको भगवान जी के दर्शन करा देते हैं। ये है मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी, और दीपक को जलता हुआ देख कर कितना अच्छा लगता है मंदिर में, एक मन को अलग ही शांति मिलती है। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में अपने लिए कुछ चाय वगैरह बनाने, क्योंकि मेरा फास्ट है। तो अब नहा के पूजा करके घर का सारा काम फिनिश करके किचन में पहुँची हूँ खुद की पेट पूजा करने। तो सबसे पहले मैं ले आती हूँ दूध फ्रिज में से, और मैं पहले किट्टू का दूध बनाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी चाय बनाऊंगी। तो किट्टू का दूध गर्म कर देते हैं, वो दूध पीने चला जाएगा और फिर मैं भी आराम से चाय पी लूँगी, वरना वो परेशान करता रहेगा मेरे को। तो आज मैंने ये किचन के अब सफाई जो की थी उसमें सब कुछ सामान वगैरह ऐसे ही रखा था, गैस को साफ़ किया था अच्छे से, तो स्टैंड वगैरह लगा दिए हैं, गैस पर चढ़ा दिया मैंने किट्टू का दूध, और किट्टू का दूध बना देते हैं अब। देखो किट्टू, अभी तक भी बॉटल से दूध पीता है, कितनी कोशिश कर चुकी हूँ, कितनी कोशिश कर चुकी हूँ कि बॉटल छुड़वाने की, लेकिन इसकी बॉटल छूटती ही नहीं है। और जब एक एक हफ्ता हो जाता है दूध पी बिना, तो फिर मुझे इस पे दया आ जाती है और मैं इसको बोतल से दूध दे देती हूँ। पता नहीं एक माँ का मन ऐसा ही होता है क्या, सबका ऐसा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे नहीं देखा जाता है कि जब ये दूध नहीं पीता है, लेकिन ये ग्लास से बिल्कुल नहीं पीता, बाकी सब चीज़ पी लेता है, पानी वगैरह सब कुछ और पी लेता है, बट दूध नहीं पीता है बिल्कुल भी। अब मैं बना लेती हूँ अपनी चाय, तो चाय भी बन रही है। आज मैंने सिर भी धुला है, तो बाल मेरे अभी तक गीले हैं, कॉम्ब मैंने नहीं किए क्योंकि गीले बालों में कॉम्ब करना सही नहीं रहता है, फिर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भी मुझे आजकल इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि बस क्या बताऊँ। तो वैसे शनिवार को सिर नहीं धुलना चाहिए, लेकिन आज मेरी कुछ ऐसी मजबूरी बन गई थी कि मुझे धुलना पड़ा, क्योंकि मैंने घर की थोड़ी सी ज़्यादा सफाई की थी और ज़्यादा पसीने की वजह से फिर अजीब सा लगता है, तो मैंने सोचा कि चलो धुल लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो अब मेरी चाय बन गई है और चाय डाल देती हूँ मैं ग्लास में, और अपना ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। तो आप लोग भी आ जाइए और ब्रेकफास्ट करिए। यहाँ किट्टू के लेटने के एंगल देखिए, पता नहीं किस एंगल से लेटता है, पिलो कहीं होती है, ये कहीं होता है,
दूध पीते हुए तो पता नहीं इसकी बॉडी में कौन से स्प्रिंग लग जाते हैं कि पूरे बेड पर घूम जाता है, ठीक से पीता ही नहीं है। लेकिन ऐसे गलत बात है, बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम से कम खाना पीना तो आराम से खाएं, बाकी तो मस्ती चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आ जाइए, आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैं भी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो अब आ गए हैं हम किचन में और शाम के खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि 5 बज चुके हैं। मेरा फास्ट होता है तो मैं थोड़ा सा जल्दी ही खा लेती हूँ, 7 बजे के आसपास तक मैं खा ही लेती हूँ खाना। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई राजमा, और ड्राई राजमा कैसे बनाते हैं तो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने रिफाइंड और जीरा का तड़का लगा दिया है, उसमें प्याज डाल दी है बारीक कटी हुई बिल्कुल। उसके बाद मैंने इसमें एक टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर को ऐड करने के बाद आपको इसको अच्छे से फ्राई होने देना है, अच्छे से, जब तक ये साइड से तेल ना छोड़ दे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम, तब तक मैं इसमें ऐड कर देती हूँ रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, और अब मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है थोड़ा सा। सभी गरम मसालों को मैं कूट के रख लेती हूँ मिक्सी में, खुद से ही पीसती हूँ, और नमक। और आज मेरे पास अदरक और लहसुन नहीं थे तो मेरे पास ये पेस्ट रखा था रेडीमेड जो है, तो वो मैं ऐड कर लूँगी इसमें। वैसे ये वाला पेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, अच्छा टेस्ट आता है बहुत इससे भी। तो ये पूरा तो मैं नहीं डालूँगी, लेकिन हाँ आधा डाल देती हूँ। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है, अब इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। तो ये राजमा मैंने पहले से उबाल के रखा हुआ है, तो राजमे को उबाल के और उसका पानी निकाल लिया था, अब उसको डाल देती हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई में डालने के बाद आपको इसको बहुत जो इंडक्शन है वो मैंने बहुत लो पे किया हुआ है, लो हीट पर, और इसको मैं अच्छे से फ्राई होने देती हूँ 5 से 7 मिनट के लिए। 300 पे देखो मैंने इंडक्शन को किया हुआ है, तो अब ये अच्छे से लगभग फ्राई भी हो ही गया है। आज धुले थे मैंने बहुत सारे कपड़े, और कुछ कपड़े इनमें से किट्टू ने गिरा भी दिए थे अलमीरा में से, तो मैंने वो भी निकाल लिए हैं। अब इनको मैं फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से खाना खाएंगे। तो क्योंकि खाना भी तभी अच्छा लगता है जब घर का सारा काम फिनिश हो जाए, तो बेड पे कपड़े पड़े हुए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह से। तो मैंने सोचा कि पहले इनको फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे आराम से बैठ के। क्योंकि अगर मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो किट्टू तो आराम से इनको गिरा देगा इधर उधर, और ये धुले हुए और ना धुले हुए सब बराबर हो जाएंगे। तो पहले इनको समेटना बहुत ज़रूरी था, तो इनको मैंने सबको फोल्ड कर लिया है लगभग, धीरे धीरे फोल्ड कर ही रही हूँ, और लगा दूँगी फिर अलमीरा में। उसके बाद आराम से खाने पीने का मज़ा ही अलग होता है जब घर का सारा काम फिनिश हो जाता है। तो
वैसे तो इनमें से बहुत सारे कपड़े प्रेस के लिए जाने हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि अगर मैं ऐसे ही इनको रख दूँगी, क्योंकि प्रेस वाले भैया पता नहीं आ जाएं या फिर कल आएंगे सुबह में या शाम में, तो तब तक कपड़े वरना ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो मैं रख देती हूँ इनको फोल्ड करके, और जब वो आएँगे तो अब हम आ गए हैं छत पर, और किट्टू ने अपना स्विमिंग पूल बना लिया है, उसमें कर रहा है मस्ती बहुत सारी। बच्चे कितने शैतान होते हैं, पता नहीं कहाँ से आइडिया ढूंढ लेते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता है। तो इसने क्या किया कि यहाँ पे पानी भर लिया और उसमें स्विमिंग पूल की तरह इसने स्विमिंग स्टार्ट कर दी है। तो अपनी मस्ती में ये बिल्कुल मस्त है, बच्चे ऐसे ही रहते हैं। हम देखिए, इसको लग रहा है कि पानी कम हो गया, तो इसने वहाँ से टंकी को खोल दिया, जिससे कि वहाँ से होता हुआ पानी देखो यहाँ तक आता है और इसका स्विमिंग पूल बन जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी रुकता है पता नहीं क्यों, लेकिन सही है, इसका तो बन गया मस्ती वाला काम, और ये अपना मस्ती में है सही। और अब हो गया है खाने का टाइम, तो मैं अपने लिए रोटियां बना लेती हूँ और किट्टू के लिए भी रोटी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए और डिनर करते हैं। तो राजमा मेरा पहले से ही बना हुआ रखा है, और मैंने आज कच्चे आम की सब्ज़ी भी बनाई थी, वो आपके साथ नहीं शेयर कर पाई हूँ क्योंकि वो मैंने थोड़ा जल्दी बना ली थी। तो अब मेरा खाना लगभग रेडी है, और बाहर से इतनी हवा आ रही थी कि गैस बार बार हवा लग रही थी, तो ठीक से रोटी बन ही नहीं पा रही थी। तो अगर विंडो को बंद कर देती हूँ तो फिर दिक्कत रहती है, बहुत घुटन सी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हवा भी ज़रूरी है। 3-4 रोटी मेरे को सेकनी है तो वो बन जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारा डिनर रेडी है, आ जाइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए, और आज के ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर ही। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें अपने अपने घरों में। तो
फ्रेंड्स खाना खा लीजिए आप लोग भी, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, गुड नाइट।